All right, this is part 3. And trust me, this part shit will over soon. ये part 3 है, part 1 और part 2 अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना. और हाँ, इतने parts निकल गए पर चिचा अभी भी लगे हुए हैं. क्या बात कर रहा है? ये exercise का ही नतीजा हमारे चिचा की, तभी तो कोई मतलब हिम्मत नहीं कर सकता. And I quote, अपने chief minister को thanks कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया. This is exactly the words that that has been said by the Prime Minister as per officials at the Bathinda Airport. I know this big thing happened yesterday. We're going to talk about this, but right now, you know, we all want that this virus thing should be over and we will back to our normal lives. लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कुछ. लेने में लगा है वायरस. ऐसा कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव जो आई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी. कोरोना वायरस से रिलेटेड दो वेव देखे हैं. एक तो आपको स्टार्टिंग में याद होगा 2020 में आया था, मार्च अप्रैल के महीने में. फिर सेकेंड वेव काफी ज्यादा खतरनाक था, डेल्टा जो वायरस लेकर आया था. लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है इसकी वजह से थर्ड वेव आई. पर अगर आप यूएस में देखोगे जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उनके द्वारा तो ये अनाउंस किया गया है कि पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे थे उनकी संख्या 3% थी. अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3% थी. लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट खबर आई है यूएस के अंदर, इसकी संख्या 73% है. मतलब जो भी नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें से 73% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं. तो इसी से आप समझ सकते हो कि बाकी देशों के अंदर ये कितना तेजी से फैल रहा है और बहुत जम के आएगी क्योंकि हालत बड़ी खराब. लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो ये राइज हो रहा है, लेकिन स्लोली राइज हो रहा है. उतना ज्यादा आपको स्प्रेड अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव आगे चलकर ले आएगा. एंड इन 2022 देयर आर टू मेजर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एज फार एज वायरस इज कंसर्न्ड. 2021 तक फर्स्ट डोज सेकंड डोज तक के लिए लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब बूस्टर डोज पे बात करिए जनता की, यार मेरे को बूस्टर डोज चाहिए. इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी. ऑल्सो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा. एज आवर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड लास्ट ईयर दैट चिल्ड्रन बिटवीन 15-18 ईयर. साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा. उनको भी वैक्सीन लगेगी तो एक नई चीज होने वाली है 2022 में. और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है इस भोसड़ पप्पू वायरस पे. वी आर एक्चुअली गेयरिंग अप फॉर ओमिक्रॉन, बट न्यू वेरिएंट केम इन इजराइल. कहते हैं थोड़ी फैशनेबल है, कोरोना की बहन फ्लोरोना. ये भी हमको सता सकती है. पहला केस आया इजराइल में, अभी ट्रेंडिंग चल रहा था 1st of January को. इजराइल हैज रिपोर्टेड अ न्यू इन्फेक्शन ऑफ कोरोना, द फ्लोरोना डिजीज, अ प्रेग्नेंट वुमन. सो या, दीज आर द थिंग्स गोइंग टू हैपन इन 2022 इफ दिस वायरस वोंट डिस्टर्ब अस. पर सच्चाई तो ये कि इस वायरस ने हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर भी दिया है. एंड दिल्ली हैज ऑलरेडी नाउ स्टार्टिंग दिस वीकेंड हैव अ वीकेंड कर्फ्यू एज वेल. देयर विल बी वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस. And private sector asked to take a call on their own, but not to operate with more than 50% capacity. Let's hope and pray we'll get out of it. और सब कुछ ठीक चले दुनिया में, सबकी तरक्की हो, सबके लिए साल बहुत अच्छा हो. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.